दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं स्टोडी ऑफ इंग्लिश के बारे में जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश हंड्रेड मार्क्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है देखो जितना आप ग्रामर पढ़ते हो जितना आप इंग्लिश का बुक पढ़ते हो उसी तरीके से आपको मेहनत अपना स्टडी ऑफ इंग्लिश में भी करनी चाहिए क्योंकि इससे भी तो आपके एग्जाम में दस पंद्रह मार्क्स का क्वेश्चन तो रहता है तो क्यों ना आज इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए मतलब आज इस क्लास को देख के आप दस से पंद्रह मार्क्स अपना पूरा सिक्योर कर सकते हो और ये मेरा गारंटी है ठीक है जैसे कल आपको अच्छे से क्लास करवाए थे और दस मार्क्स आपको ऑलमोस्ट दिलवाए थे ठीक है प्रॉपर दस मार्क्स और उसी तरीके से आज यहां पे 10 से 15 मार्क्स इंग्लिश का आपका कंप्लीट होने वाला है जब आप इस क्लास को सिर्फ देख लेते हैं और इसमें जितने सारे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जितने अच्छे से बताया जाएगा अगर आप समझते हो ठीक है यहां पे देखो डरने वाली बात नहीं है सब कुछ आपको हम हिंदी में बताएंगे प्रॉपरली कि आपको समझने में जरा सा भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो कहीं से भी ठीक है तो वो मेरा गारंटी है हम आपको अच्छे से बताते हुए चलेंगे प्रॉपर बस आप समझने की कोशिश करिएगा जहां पे दिक्कत होगी लाइव में हम लोग पूछ सकते हैं आप ठीक है और यहाँ पे एक क्लास में प्रॉपर एक क्लास में पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश खत्म कर लेंगे क्या झंझट रखिए पचास क्लास की है ना एक क्लास में अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो बस आप लोग अपना पानी का बोतल लेके बैठ जाइए और साथ ही साथ अपना एक पेन और अपना एक कॉपी लीजिए और बैठिए जो जो नोट करवाएंगे उसको नोट भी करते चलिएगा और अच्छे से आज अपना स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो जाने वाली है ठीक है तो सब लोग एक्साइटेड हैं कितने लोग एक्साइटेड हैं बोलिए इस क्लास के लिए का वेट कितने लोग कर रहे थे क्योंकि हमें बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि भैया स्टोरी ऑफ इंग्लिश जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए तो आज फाइनली सोचे संडे है दस्तूर है मौका है चलो कंप्लीट कर ही देते हैं और अच्छे से इसको देखेंगे ठीक है शुरू किया जाए एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोलिए सब लोग शुरू कर दे ओके चलो चलो बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं और सो so, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है जब थोड़ी सी लंबी क्लास होती है तो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में बकवास कर लेना सही रहता है ठीक है जिससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आज के इस पूरे क्लास में क्या होने वाला है पूरे इस क्लास के दौरान क्या आपको मिलने वाली है वो चीज आपको पता चल जाता है ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करें ओके तो चलते हैं देखते हैं अपने पास देखो आज का टॉपिक का नाम क्या है आज जो अपने लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश की कहानी ठीक है अंग्रेजी की कहानी अंग्रेजी कैसे शुरू होती है इसकी कहानी और प्रॉपरली हम ऐसे रटवाएंगे आपको नहीं बल्कि आपको अच्छे से कहानी के रूप में ही बता बता के पूरा समझा देंगे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो अब बना लो ठीक है कहानी के रूप में ही बताएंगे और नाम भी है स्टोरी ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश की कहानी ठीक है एक ही वीडियो में पूरी स्टोरी ऑफ इंग्लिश कैसे होगी कंप्लीट देखिए आपके जो है ना बुक में अलग अलग चैप्टर्स है लेकिन आपके क्लास ट्वेल्व में सिर्फ इसी चैप्टर्स को पढ़ने रहते हैं ठीक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जितने सारे चैप्टर्स है उसमें से सिर्फ और सिर्फ स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ओनली आपका क्लास ट्वेल्व के स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बस इतना ही चैप्टर पढ़ना है केवल और केवल के कितना छह चैप्टर्स चैप्टर्स पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से चैप्टर्स है और फिर एक एक चैप्टर बाई चैप्टर करके इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे ठीक है प्रॉपर चैप्टर बाई चैप्टर आज हम लोग देख के प्रॉपर कंप्लीट कर देंगे आज के इस क्लास में पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश को ठीक है तो एक बार चैप्टर को नोट डाउन करिए जल्दी से ओल्ड इंग्लिश पहला चैप्टर लिखिए दूसरा चैप्टर लिखिए मिडिल इंग्लिश तीसरा चैप्टर लिखिए मॉडर्न इंग्लिश चौथा चैप्टर लिखिए इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज ठीक है पांचवा चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ दी नॉवेल इन इंग्लिश ठीक है मतलब पहले हम लोग पुरानी इंग्लिश को जानेंगे फिर बीच वाले इंग्लिश को है ना मिडिल इंग्लिश को फिर मॉडर्न इंग्लिश को जानेंगे है ना फिर इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज इंग्लिश कैसे पूरा विश्व का लैंग्वेज बन गया उसको हम लोग जानेंगे क्या उस, उस दिक्कतें के साथ दिक्कत का सामना करना पड़ा इंग्लिश को कैसे बना विश्व लैंग्वेज ठीक है विश्वभाषा उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा इंग्लिश ड्रामा जो है ना उसका क्या कहानी है उसके बाद नॉवेल जो होता है इंग्लिश में उसका क्या कहानी है तो हर किसी का कहानी आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश में जो जो चीज पढ़ना होता है ना वो सब चीज तो इंग्लिश की प्रॉपर शुरुआत करेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करें चैप्टर वन से चैप्टर वन ओल्ड इंग्लिश से स्टार्ट किया जाए ओके okay, सो so काफी सारे लोग हैं और इसी तरीके से इसी मोटिवेशन के साथ में बने रहिए सब लोग लास्ट तक और भी काफी ज्यादा जितने सारे और बच्चे हैं सब लोग को जोड़ लीजिए क्योंकि आज नॉर्मल क्लास नहीं है आज बहुत ही खास क्लास है दस से पंद्रह मार्क्स का प्रॉपर क्लास है अब चलो हम ज्यादा कुछ अब नहीं बोलेंगे अब सीधा सीधा हम लोग पढ़ाने पे आते हैं ठीक है अब प्रॉपरली आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होनी चाहिए पहले एक बार शेयर वगैरह कर लीजिए एक मिनट का हम समय देते हैं और उसके बाद प्रॉपर अपना ध्यान पूरा का पूरा क्लास पे रहेगा ठीक है प्रॉपर पूरा ध्यान क्लास पे रहेगा और अच्छे से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे देखना ओके सो शेयर वगैरह कर लीजिए जल्दी जल्दी सब लोग ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश यानी अपने पास पुरानी इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं मतलब इंग्लिश जब बहुत पुराना था इंग्लिश की जब शुरुआत हो रही होगी है हो रही होती है तब जाके वहां से हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखो जैसे कहानी होती है ना वो एक दो तीन पार्ट में होती है ऐसे यहां पे इंग्लिश जो है ना वो तीन पार्ट में बांटा गया है इंग्लिश का जो काल है इंग्लिश का जो पीरियड है इंग्लिश का जो समय है ठीक है पुराने समय से लेकर आज तक का इंग्लिश को टोटल तीन भाग में बांटा गया है कैसे कितने भाग में तीन भाग में पीरियड ऑफ इंग्लिश डिवाइडेड इंटू थ्री ट्राइब्स ठीक है मतलब इंग्लिश का जो काल है पीरियड है उसको तीन भाग में बांटा गया है पहले पहला पार्ट यहां पे क्या है ओल्ड इंग्लिश ठीक है ओल्ड इंग्लिश दूसरा हमारे पास क्या है मिडिल इंग्लिश और तीसरा हमारे पास क्या है मॉडर्न इंग्लिश तीनों के बारे में जानेंगे ओल्ड इंग्लिश का समय क्या है ओल्ड इंग्लिश का समय है फोर फोर्टी नाइन टूल के तक एडी का मतलब एडी आप जिसको सन बोलते हो ना जिसको आप सन बोलते हो वही सन यहां पे है ठीक है तो सन uh, उनचास uh, से लेके सन दस तक का जो समय है जो काल है उसको कहते हैं मिडिल इंग्लिश का समय ठीक है, 1150, 1150 समय है, है समय, उसके बाद देखो मॉडर्न इंग्लिश का समय किसको कहते हैं पंद्रह सौ से लेके अभी तक टिल नाउ इस समय को हम लोग कहते हैं मॉडर्न एग्जाम में सवाल देता है ठेके? आपके एग्जाम में सवाल देता है फिफ्टीन हंड्रेड ए डी टू टिल नाउ विस लैंग्वेज यूज यहाँ पे आंसर आपको देना रहेगा मॉडर्न इंग्लिश ठीक है इस तरीके से आपके आपके एग्जाम में इससे इससे एक मार्क्स तो प्रश्न आपके इसी, इसी से रहेगी ठीक है श्योरली रहती है हर बार रहती है एक मार्क्स का प्रश्न तो आपको यहीं से मिल जाएगी मतलब बस आपको पीरियड याद करना है ठीक है और पीरियड भी रटने की जरूरत नहीं है अभी आप कहानी जैसे शुरू करोगे कहानी देखोगे तो आपको याद हो ही जाएगा ठीक है कहानी से आपको याद हो ही जाने वाला है वो वो देखते बस चलो ठीक है कैसे याद होता है हम याद दिलवाएंगे ना आपको जब हम गारंटी लिए तो हम जानते हैं आपको कैसे याद दिलाना है सबसे पहले चलो ओल्ड इंग्लिश से शुरुआत करते हैं कहानी इसका देखते हैं आप ठीक है कहानी सुनने में बहुत मजा आता था ना बचपन में आज चलो वही कहानी हम दोहराते हैं ठीक है वही कहानी आज सुनाते हैं और इसमें मजा आएगा देखो क्या है एडी चार सौ उनचास में ठीक है आप जानते हैं आपको एक कहानी बताते हैं ठीक है जो कहानी आप नहीं देखे होंगे जो आप बेसिकली सुने होंगे अपने दादाजी से अपने पापा जी से कि पहले अंग्रेज जब थे अपने यहां तो कैसे मतलब इंडियंस को कैसे तंग करते थे कैसे परेशान करते थे हर हमेशा वो आके यहाँ पे शासन करते थे और इंग्लिश में ही खुद बात करते थे ठीक है धीरे धीरे इंडियंस भी उसे इंग्लिश बहुत कुछ सीखने लगे है ना तो यहाँ पे क्या था कि अंग्रेज लोग आए और हम पे शासन किए हम लोग तो यही तक कहानी जानते हैं क्या अंग्रेज पर भी कोई शासन करके गया था वही कहानी अब यहाँ पे वहीं से शुरू होती है इंग्लिश की कहानी उस पर भी तो कोई शासन किया होगा बस वही यहाँ पे कहानी है देखो आ, चार सौ उनचास में क्या होता है ना चार सौ उनचास में जर्मनी के रहने वाले कुछ जर्मन ट्राइब्स थे ठीक है जर्मनी के कहाँ के जर्मनी के रहने वाले कुछ जर्मन ट्राइब्स थे ट्राइब्स का मतलब क्या होता है जनजाति ठीक है जर्मन के कुछ जो है जनजाति थे ट्राइब्स थे जिसको हम लोग एंग्लो सेक्शन के नाम से भी जानते हैं एंग्लो सैक्शन के भी नाम से जानते हैं और एंग्लो कै कैल्टिक के नाम से भी जानते हैं ठीक है एंग्लो-सेल्टिक के नाम से भी जानते हैं एंग्लो-सैक्सन के नाम से भी जानते हैं किसको जर्मन ट्राइब्स के मतलब 449 में जर्मनी के रहने वाले जो जर्मन जनजाति के जो लोग थे ना जो क्या करते थे जो गोरे चिट्टे लोग थे क्या थे वो गोरे चिट्टे लोग थे बिल्कुल जैसे अंग्रेज लोग थे वैसे ही वो लोग भी गोरे चिट्टे लोग थे ठीक है और वो जो है इंग्लिश से मिलता-जुलता भाषा बोलते थे ठीक है चार में जो जर्मनी के रहने वाले जर्मन जनजाति के जो लोग थे वो गोरे चिट्टे लोग थे और वो लोग इंग्लिश से मिलता जुलता भाषा बोलते थे ठीक है इंग्लिश से मिलता जुलता भाषा बोलते थे क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत ही नहीं हुई थी ठीक है इंग्लिश आज जैसे ओल्ड इंग्लिश था ना उसी तरीके से थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश ये लोग बोला करते थे जर्मनी के जनजाति लोग ठीक है उसके बाद क्या होता है ये लोग क्या करते हैं ये जो जर्मन ट्राइब्स के लोग जो थे एंग्लो सेक्शन जो थे एंग्लो सेल्टिक जो लोग थे ये लोग क्या करते हैं ये लोग इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं ठीक है ये लोग क्या करते हैं इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं और फिर क्या होता है और वहां के लोग धीरे धीरे क्या होते हैं इंग्लिश बोलने लगे क्या होता है इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं और इंग्लैंड को जीत लेते हैं ठीक है इंग्लैंड पे आक्रमण करते हैं और इंग्लैंड को ये लोग जीत लेते हैं जर्मन ट्राइब्स के लोग फिर क्या होता है कि ये लोग जैसे जर्मन ट्राइब्स के जो लोग थे ये लोग तो इंग्लिश बोलते थे इंग्लिश बोलते थे तो फिर क्या होता है इंग्लैंड में भी लोग जो है ना क्या होने लगे धीरे धीरे करके इंग्लिश भाषा बोलने लगे थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लगे और कुछ इस प्रकार इंग्लैंड में इंग्लिश की शुरुआत हुई ठीक है इस प्रकार से इंग्लैंड में इंग्लिश की शुरुआत हुई ठीक है तो इंग्लैंड में इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई इंग्लैंड का खुद का लैंग्वेज नहीं है ये है ना इंग्लिश तो इंग्लैंड का दिया हुआ नहीं है ये किसका दिया हुआ है जर्मन ट्राइब्स के जो लोग थे उसका यहाँ पे दिया हुआ ये इंग्लिश भाषा है 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 ना ऐसा तक चला ठीक में जो जर्मन ट्राइब्स के लोग आक्रमण करके इंग्लिश पे पूरे इंग्लैंड पे शासन करना स्टार्ट कर दिया और वहां के लोग इंग्लिश सब बोलने लगे ठीक है तो ऐसा कब तक चलेगा तो ऐसा चला दस सौ छियासठ तक ठीक है कब से कब तक चार सौ उनचास से लेके दस सौ छियासठ तक ऐसा ही चला ठीक है ऐसा ही चला फिर क्या होता है फिर इन लोग में वहां के कुर्सी कुर्सी यानी राजा को लेकर आपसी मतभेद होने लगी क्या होने लगी फूट के कारण क्या होता है इंग्लैंड के उत्तराधिकारी जिसे हार के बाद इंग्लैंड से जाना पड़ा था ठीक है क्या होता है कि जैसे चार में ये शासन करने आए थे इंग्लैंड में ये तो शासन कर रहे थे उसके बाद क्या होता है चार से लेके और ये दस तक ये लोग शासन किए लेकिन फिर क्या होता है कि आपस में ऐसे बने आ, बना नहीं सबको आ, सब लोग चाहते थे जर्मन ट्राइब्स के जो लोग थे वो लोग चाहते थे कि नहीं हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे आपसी मतभेद हो गया और फिर एक बात सोचो जो इंग्लैंड में ये लोग शासन करने आए थे आक्रमण किए थे तो यहां पर इंग्लैंड में कोई तो राजा होंगे उस समय राजा महाराजा ही हुआ करता था तो कोई तो एक राजा होगा अब वो राजा क्या करता है वो राजा यहां से छोड़ के भाग जाता है फ्रांस वगैरह ठीक है वो राजा फ्रांस छोड़ के भाग जाता है वो जब चार में आया था जर्मन ट्राइब्स तो वो जर, जो है इंग्लैंड में जो शासन करता था वो कहां भाग जाता है फ्रांस भाग जाता है और फिर क्या होता है दस सौ तक तो ऐसा था फिर जर्मन ट्राइब्स के लोग आपस में मतभेद करने लगे मतलब सत्ता कमजोर हो गया है ना तो अब क्या करता है वो जो इंग्लैंड के उत्तराधिकारी जो थे जो इंग्लैंड से राजा भागे थे तो उसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी होने लगे होंगे ठीक है उसके उत्तराधिकारी क्या करते हैं जिसे हार के बाद इंग्लैंड से जाना पड़ा था वो क्या करते हैं फ्रांस जाते हैं और फ्रांस के साथ ठीक है वो क्या करते हैं फ्रांस के साथ मिलकर वो क्या करते हैं फ्रांस के साथ मिलकर फिर से आक्रमण किया ठीक है अब अपने ही देश पर इंग्लैंड पर ही आक्रमण किया फ्रांस के साथ मिलकर तो मतलब यहां पे कौन आक्रमण किया इंग्लैंड पर दूसरी बार फ्रांस आक्रमण किया दूसरी बार इंग्लैंड पे आक्रमण कौन किया फ्रांस किया ठीक है और और इसी के साथ क्या होता है ओल्ड इंग्लिश समाप्त हो जाती है है मतलब सीधा सी बात है, चार है जो अपना यहां पे स्टार्ट होता है चार में वो कब तक चला दस तक ठीक है दस तक चला और फिर क्या होता है इसी प्रकार जब फ्रांस आ गया फ्रांस आ गया तो यहां पे क्या होता है ओल्ड इंग्लिश समाप्त हो जाती है ठीक है ओल्ड इंग्लिश समाप्त हो जाती है क्योंकि फ्रांस आक्रमण कर दिया फ्रांस जीत लिया अब फ्रांस का था नहीं हम यहां पे शासन कर लिए हैं हम इंग्लैंड को जीते हैं हमारा लैंग्वेज सब बोलेगा सब का सब जबरदस्ती वहां पे इंग्लैंड में जितने लोग थे उससे जबरदस्ती फ्रेंच भाषा बोलवाने लगा कि नहीं तुम लोग को यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलनी होगी जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज था ठीक है मतलब बेसिकली ऑफिस वगैरह जितना भी था जो भी गवर्नमेंट का काम हुआ स्कूल कॉलेज ये सब जगह ये क्या कर दिया फ्रांस ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको

तो यहां पे प्रॉपरली इसी कहानी कहानी के माध्यम से हम लोग पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश को खत्म कर लेंगे मजा आ रहा है सब लोग को मजा आ रहा है आगे बढ़े आगे बढ़े बोलिए एक बार जल्दी से आगे बोलिए चलो आगे बढ़ते हैं ओके सो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसी जोश के साथ अभी बने रही है सब लोग ठीक है जितने और सारे लोग आ रहे हैं प्रेजेंटली आप लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश को करेंटली खत्म करते चलिए ठीक है आज खत्म ही कर देना है पूरे ये जो झंझट है ना दस पंद्रह मार्क्स का लेके ही छोड़ना है ठीक है आ जाओ तो दस सौ छियासठ में क्या होता है अपने पास ओल्ड इंग्लिश समाप्त हो जाती है अब क्या होता है और जो लड़ाई दस सौ छियासठ में लड़ी गई ना फ्रांस आके लड़ा ठीक है इंग्लैंड पे आक्रमण किया फ्रांस दस सौ छियासठ में तो ये जो लड़ाई जो लड़ा गया ना इसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का नाम दिया गया नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का नाम दिया गया तो आपसे एग्जाम में पूछेगा आपके एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था ऐसे आपके एग्जाम में सवाल आएगा याद रखिएगा एडी तो जो लड़ाई लरा के बीच में जो लड़ाई हुआ था जर्मन ट्राइब्स के बीच में तो वो जो लराई, उस लड़ाई का यहाँ पे क्या नाम दिया बेसिकली यही बात चला इस, इसमें यही बात चला कि कौन से भाषा बोलनी चाहिए क्या कहां पे यूज होगा ठीक है यही सब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में बताया गया ठीक है और फिर क्या होता है और इसी के साथ फ्रेंच भाषा बोली जाने लगी पूरे इंग्लैंड में फ्रेंच भाषा हावी हो गई पूरे इंग्लैंड पर फिर क्या होता है दस से लेकर ओल्ड इंग्लिश अपने पास 1066 में समाप्त हो जाती है फिर क्या होता है दस से लेकर 1150 तक फ्रेंच भाषा ज्यादातर जगह बोली जाने लगी ठीक है दस से लेके 1150 तक याद रहेगा दस से लेके 1150 तक याद रखिएगा इसको दस सौ छियासठ से लेकर ग्यारह सौ पचास तक ये सब पूछा जाता है सवाल में आपके एग्जाम में रहता है ठीक है फ्रेंच भाषा ज्यादातर जगह बोली जाने लगी और फिर क्या होता है दस सौ पचास में वहां के पादरियों को लगा कि इंग्लिश का वजूद ही खत्म हो जाएगी इसलिए इंग्लिश में देना उपदेश देना शुरू किया और इस प्रकार अब देखो, अब देखो, से लेकर दस सौ छियासठ तक ये लोग इंग्लिश बोलते रहे ठीक है इंग्लिश बोलते रहे इंग्लैंड के लोग तो लगभग कितने साल आ, मतलब समझो ना यहाँ पे छह सौ साल से प्लस ये लोग इंग्लिश बोलते थे एक जगह के लोग अगर छे सौ साल ठीक है छे सौ साल है एक दो साल नहीं 600 साल कितने पीढ़ी बीत गए होंगे तो ये सब लोग इंग्लिश बोलते थे ठीक है और तब अचानक कोई देश आएगा और फ्रांस आएगा और बोलेगा नहीं तुम लोग को फ्रेंच बोलना होगा सोचो इस छह सौ साल जो लैंग्वेज ये लोग बोले होंगे इससे कितना लगाव होगा इंग्लिश से है ना तो ये लोग जो जबरदस्ती बोलने लगे ठीक है बोलने लगे कि नहीं तुम लोग को फ्रेंच बोलना होगा तो कभी ना कभी तो सबको अपना खत्म ये तो गुस्सा आएगा ना इस पे तो कुछ ही साल बाद मतलब यहाँ पे लगभग सौ साल बाद यहाँ पे ग्यारह में क्या होता है कि सीधा सी बात है यहाँ जो भी इंग्लैंड के पादरी लोग थे वो कहते थे इंग्लिश का वजूद ही खत्म हो जाएगा ये लोग अपना लैंग्वेज समझने लगे थे इंग्लिश को ठीक है इंग्लिश का वजूद ही खत्म हो जाएगा फिर पादरी लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में स्पीच देने लगते हैं भाषण देने लगते हैं जिससे क्या होता है कि मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है फिर से इंग्लिश पनपता है धीरे धीरे है ना जो ओल्ड इंग्लिश खत्म हो गया था वही फिर से यहाँ पे मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है तो देखो सिंपल सी बात है अगर मानो कोई भी अपने देश पे आक्रमण करता है ठीक है वो तो मारा जाएगा वो तो श्योर है लेकिन सिंपल से मान लेते हैं मान लेते हैं ठीक है आ, कि अगर कोई विदेश अपने आप पर आक्रमण करता है वो बोलता है कि नहीं तुमको हिंदी भाषा छोड़ना होगा तुम कोई और लैंग्वेज बोलो ठीक है तुम हमारा लैंग्वेज बोलो वो देश जो आक्रमण किया था वो बोलो अपने लोग से होगा नहीं होगा ना बस वही चीज है और वो जबरदस्ती अगर बुलवाएगा भी तब भी हम क्या करेंगे हम कोशिश करेंगे काश हम इतना फ्री हो जाए कि हम अपना लैंग्वेज यूज कर सके हम हिंदी भाषा बोल सके जो प्रेम है अपनी भाषा से वही प्रेम इस लोग को इंग्लिश के हो गया था इंग्लैंड वाले को तो वही बाद में क्या होता है कि दस सौ पचास तक तो वो जबरदस्ती कैसे कैसे करके बोल लिए थे अपना फ्रेंच भाषा लेकिन फिर जाके कहीं ना कहीं लगा कि नहीं इंग्लिश को कुछ तो करना होगा इंग्लिश को बढ़ावा देना होगा अपना लैंग्वेज पीछे हो रहा है तब जाके ये लोग क्या करते हैं फिर धीरे धीरे स्पीच देने लगते हैं और तब जाके क्या होता है ग्यारह में आपका ठीक है ग्यारह में क्या होता है कि मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है है ना मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है अब देखो यहाँ पे क्या है कुछ पॉइंट ठीक है कुछ पॉइंट है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हम बताते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या याद करनी है इस पूरे कहानी से आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो पॉइंट आप देखिए पहले ठीक है आपके बोर्ड एग्जाम में जो पॉइंट पूछा जाएगा वो पॉइंट आप पहले देखिए ठीक है क्या पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा देखो पूछा यह जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है यहां पे पीरियड कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक था द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम एडी फोर्टी फोर्टी नाइन टू एडी टेन यानी चार सौ उनचास से लेकर दस सौ छियासठ तक पुरानी इंग्लिश का समय रहा ओल्ड इंग्लिश का पीरियड रहा उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है थेके? दूसरा पॉइंट देखते हैं ओल्ड इंग्लिश इज आल्सो नॉन एज एंग्लो सेक्शन एंड एंग्लो सेल्टिक ठीक है ओल्ड इंग्लिश का दूसरा नाम क्या है एंग्लो सेक्शन और एंग्लो सेल्टिक आप जाने थे जो जर्मन ट्राइब्स के जो लोग थे जर्मन ट्राइब्स के लोग जो कि इंग्लैंड पे शासन करने आए थे आक्रमण किए थे उन लोग को हम लोग क्या बोलते थे उन लोग को बोलते थे ना एंग्लो सेक्शन और एंग्लो सेल्टिक ठीक है और उस पीरियड को एंग्लो सेल्टिक पीरियड भी बोलते थे तो ये आपको याद होगा उसके बाद चलो इट इज जो इंग्लिश लैंग्वेज है ओल्ड इंग्लिश इट इज ऑरिजिनली ए जर्मन लैंग्वेज ये क्या है वास्तविकता में क्या है जर्मन लैंग्वेज है इंग्लिश इंग्लैंड का लैंग्वेज नहीं है याद रहेगा इंग्लिश इंग्लैंड का लैंग्वेज नहीं है ये किसका लैंग्वेज है जर्मन का लैंग्वेज है ठीक है तो यहां पे ये तीन पॉइंट आपको याद रखनी है ये तीन पॉइंट आपको याद रखनी है याद रहेगा आ, मुझे लगता है कि सबको याद रहेगा इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा चलो अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब एक और नया चीज देखते हैं एक नया मोर आता है ठीक है ओल्ड इंग्लिश में कुछ और चीज आपको देखना होगा ये क्या है डायलेक्ट ठीक है डायलेक्ट डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश यानी ओल्ड इंग्लिश जो बोला गया था उसमें चार बेसिकली uh, डायलेक्ट थे ठीक है यानी डायलेक्ट का मतलब क्या होता है बोली बोलचाल होता है ना तरीका अलग अलग जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं कोई उर्दू में बात करता है कोई मैथिली में बात करता है ठीक है uh, कोई मैथिली में बात कर रहा है कोई भोजपुरी में बात कर रहा है कोई हिंदी में बात कर रहा है है ना तो सब लोग अपना अपना अलग अलग कोई मगही में बात कर रहा है तो सबका अपना अपना लैंग्वेज है तो डायलेक्ट इसी को यहाँ पे कहते हैं ओल्ड इंग्लिश में ना चार डायलेक्ट में बांटा गया है ओल्ड इंग्लिश बोली को डायलेक्ट को, आ, का हिंदी क्या होता है बोली बोलचाल तो ये चार भाग में बांटा गया है और वो चार टाइप कौन कौन से है पहला यहां पे है कैंटेस ठीक है उसके बाद याद रखेगा नॉर्थ हमरियन पहला कैंटिस नॉर्थ अमरियन और उसके बाद मेरिकन और उसके बाद वेस्ट सेक्शन ठीक है याद कर लो इसको कैसे भी करके इसको रट लो क्योंकि ये बार-बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है कि आपको लिखने के लिए बोलेगा ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट ठीक है कितने डायलेक्ट होते हैं तो आपको ये लिखने के लिए बोलेगा उस समय आप लिख दोगे डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स फर्स्ट सेंटिक कैंटिस uh, उसके बाद नॉर्थ अमरियन उसके बाद मैरिकन उसके बाद वेस्ट सेक्शन तो यहां हैं आपको पता चल गया आपसे कोई ये नॉलेज नहीं छीन सकता है ना याद हुआ नॉर्थ मैरिकन वेस्ट सेक्शन ठीक है चार डायलेक्ट होते हैं अब देखिए अब यहाँ पे कुछ एक चीज बताया गया है ठीक है एक और चीज बताया गया है ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश मतलब ओल्ड इंग्लिश की क्या विशेषता था क्या खूबी था ओल्ड इंग्लिश का ठीक है हर चीज का कोई ना कोई खूबसूरती होता है जरूर आपका भी कोई खूबसूरती होगा ठीक है सब कुछ का जो भी मौजूद है ना हर चीज का एक खूबसूरती होता है एक विशेषता जरूर होती है है ना तो आइए ओल्ड इंग्लिश का यहाँ पे खूबसूरती क्या है पूरा कहानी आप जाने होगी उससे आप जरूर सीखे हो गए उसकी आ, क्या थी खूबसूरती द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टूडे आज क्या आप सोच रहे हो कि ओल्ड इंग्लिश में जो लिखा जाता था कि अगर आपका नाम मान लेते हैं आदित्य है जैसे मेरा नाम यहाँ पे क्या है आदित्य है ठीक है तो क्या आदित्य हम लोग ऐसे लिखते थे अभी देखो आपको अपना नाम लिखने का हम दूसरा तरीका बताते हैं ठीक है अपना नाम लिखने का हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि आप अपना नाम ओल्ड इंग्लिश में आप कैसे लिखते थे ये तो हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ओल्ड इंग्लिश में कैसे लिखते थे ये भी हमें आपको सिखाते हैं तो आपको कोई और अपना नाम लिखने के लिए बोलेगा तो अपना ओल्ड इंग्लिश में आप नाम लिख सकते हो लिखोगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा ठीक है तो अभी यहाँ पे हम आपको लिखना सिखाएंगे जल्दी ठीक है तो मतलब अभी के अकॉर्डिंग जो ओल्ड इंग्लिश का जो क्या था राइटिंग uh, सिस्टम था वो कंप्लीटली अलग था टोटली totally डिफरेंट था फ्रॉम टूडे आज की अपेक्षा द राइटिंग सिस्टम यूज द रोनिक अल्फाबेट ठीक है जिसको तस्वीरों का अल्फाबेट कहते हैं ओल्ड इंग्लिश में कौन सा राइटिंग सिस्टम यूज किया जाता था याद रखिएगा रोनिक सिस्टम ठीक है रोनिक अल्फाबेट ओल्ड इंग्लिश में रोनिक अल्फाबेट यूज किया जाता था रोनिक अल्फाबेट क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं ये क्या होता था तस्वीरों का अल्फाबेट होता है रोनिक अल्फाबेट मतलब तस्वीरों का अल्फाबेट है ना अब देखो यहां पे यही है रूनिक अल्फाबेट ये है रूनिक अल्फाबेट आज ना हम लोग ऐसे ए बी सी डी लिखने चल देते हैं पहले तो ऐसे नहीं था ना पहले ऐसे नहीं था पहले ये सब नहीं था ठीक है ओके सो देखो अब यहां पे देखो पहले ना ए ऐसे लिखाता था ए ऐसे लिखते थे बी ऐसे लिखते थे सी ऐसे लिखते थे कहीं पर देखो कहीं पे आपको ये कर्व जो होता है ना ये कर्व ठीक है ये कर्व कहीं नहीं दिखेगा ये जो कर्व होता है जैसे यू लिखते हैं ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये कर्व आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा सब जगह एकदम स्ट्रेट लाइन होगा ठीक है हर जगह आपको अल्फाबेट का ये ये खासियत है हर हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा ठीक है तो अब यहाँ पे देखो क्या है ए ऐसे लिखा जाता था बी ऐसे लिखा जाता था सी ऐसे एस ऐसे टी ऐसे यू ऐसे ठीक है तो सब यहाँ पे ऐसे लिखा जाता था ये तो ये जो ऐसे यहाँ पे ये नीचे जो लिखा हुआ है ये तो आज वाला है ठीक है

ठीक है तो टी ऐसे लिखाता है और वाई ढूंढते हैं और ए और देखो ये हुआ आदित्य ऐसे आदित्य लिखा जाता था ओल्ड इंग्लिश में है ना एक इंटरेस्टिंग चीज मजा आया ये पढ़ के ये जान के रूनिक अल्फाबेट लिखा जाता था पहले ये ये हुआ आदित्य लिखा हुआ है कोई आप ऐसे लिख के दोगे अगर अपना नाम आप अपना लिखे होगे तो आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई ये क्या है ये क्या मतलब लकड़ी लकड़ी सीधा लकीर पार दिया है लकीर बना दिया है ऐसे थोड़ी होता है ऐसे नहीं होता है है ना तो अजीब लग रहा होगा आप लोग को लेकिन ये है यही रूनिक अल्फाबेट ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था याद रहेगा ओल्ड इंग्लिश में कौन सा अल्फाबेट राइटिंग सिस्टम कैसा था रूनिक अल्फाबेट था रूनिक अल्फाबेट याद हो गया चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं Foreign influenced on old English. देखो पर कुछ कुछ foreign के जो था था। वो भी किया हुआ था. एक फ्रेंच था क्योंकि फ्रेंच यहां पे आके प्रभाव किया था ना ओल्ड इंग्लिश पे क्योंकि आया था फ्रेंच का थोड़ा बहुत प्रभाव था ही उसके बाद क्या होता है कि लेटिन भाषा का ठीक है लेटिन भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव था ओल्ड इंग्लिश पे ना लेटिन भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव था ठीक है लेटिन भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव था उसके बाद देखो स्केंडेनेवियन यहाँ पे इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव, प्रभाव था लेकिन आज आप सोच मतलब रहे पहले तो बहुत पढ़े लिखे हैं है अब कहा गया स्केंडोनेविया कहाँ गया ठीक है ना? ये सवाल है आप लोग के पास तो देखो आ, ये ना अब इसका नाम बेसिकली जो है ना ये कौन कौन सा देश अब बन गया ठीक है ये तीन देश बन गया पहला एक डेनमार्क दूसरा नॉर्वे पहला डेनमार्क दूसरा नॉर्वे और तीसरा क्या है सूडान ठीक है सूडान नॉर्वे और डेनमार्क ये तीन देश मिलके स्कैंडिनेविया बन जाता है ठीक है तो यहाँ पे ओल्ड ओल्ड इंग्लिश पे कौन कौन लैंग्वेज का कौन कौन से देश का इंफ्लुएंस था फ्रेंच का लैटिन का स्कैंडिनेविया का ठीक है अब यहाँ पे आगे आते हैं अब आगे आते हैं एक बहुत ही और एक अच्छा चीज है एक और अच्छा चीज है जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा लगेगा अच्छा ये तो हम सोचे ही नहीं थे लगेगा ये तो हम सोचे ही नहीं थे ऐसा भी हो सकता है क्या अभी देखो कैसा क्यों ऐसे बोल रहे हैं हम देखो अभी हम आपको बताते हैं देखो मेनु स्क्रिप्ट जो है पांडुलिपि ऑफ ओल्ड इंग्लिश ठीक है ओल्ड इंग्लिश का पांडुलिपि क्या है मेन्यू स्क्रिप्ट क्या है आइए उसको जानते मेन्यू स्क्रिप्ट क्या होता है मेन्यू स्क्रिप्ट क्या होता है हाथ से लिखा हुआ चीज ठीक है हाथ से लिखा हुआ उसको कहते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट अभी हम आपको बताते हैं देखो पहले पहले ये पढ़ो उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं उस दस्तावेज को कहते हैं मेनुस्क्रिप्ट उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों या लोगों द्वारा हाथों से लिखी गई हो जिसे हस्तलिखित पत्र जैसे हस्तलिखित पत्र प्रिंट किया हुआ या किसी अन्य विधि से किसी दूसरे दस्तावेज से यांत्रिक वैद्युत रीति से नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहते हैं केवल और केवल हाथ से लिखा हुआ जो पत्र होता है या फिर कुछ भी चीज हाथ से लिखा हुआ है उसको कहते हैं पांडोलीपी अब एक बात बताओ ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक था 449 से लेके तक तक था 1066 तक था ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या उस समय सन उनचास में क्या अपने पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था ये जो आज आप जाते हो और फोटोकॉपी करवा के दुकान से चले आते हो या फोटोकॉपी आपके पास होगा ठीक है मशीन आप फोटोकॉपी कर लेते हो क्या पहले ये था नहीं था ठीक है पहले फोटोकॉपी करने वाला नहीं था ठीक है जो भी लिखना होता था हाथ से लिखना पड़ता था आप सोचो अगर एक कक्षा में अगर दस विद्यार्थी है ठीक है दस ही विद्यार्थी है तो दस बार गुरु जी को किताब लिखना पड़ता था या गुरु जी अपना कहते थे दसों बच्चा को लिखो ऐसे हम लिखवा रहे तुम लोग लिखो हाथ से ही लिखा जाता था पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था आज आपके पास इतना सारा बुक जो रहता है ऐसे पहले नहीं था पहले जमाना कंप्लीटली अलग था है ना ये चीज नहीं सोचे होगी अब सोचे ओके okay? देखो तो यह सब ऐसा नहीं था अब देखो यहाँ पे क्या होता है मेनु आप समझ गए जो हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज होता है ठीक है पत्र होता है उसको कहते हैं मेनुस्क्रिप्ट अब देखो ऐसे ही यहां पे कुछ प्रमुख जो है ओल्ड इंग्लिश के मेनू जो है वो क्या क्या है ओल्ड इंग्लिश के जो मेन्यू है वो क्या क्या है देखो पहला आप याद रखियेगा दिब्यो वुल्फ आपके एग्जाम में रहता है ओल्ड इंग्लिश के मेनू को लिखने के लिए आपको बोला जाएगा तो आप याद रखियेगा दिब्यो वुल्फ उसके बाद दूनियस ठीक है दी एग्जिटर बुक और दी वार्सली बुक याद रखिएगा दियोवुल्फ दी जूनियर दी एग्जिटर बुक्स दी वार्सली बुक ठीक है ये चार मेनु स्क्रिप्ट होते हैं ओल्ड इंग्लिश के ठीक है ओल्ड इंग्लिश के ये चार मेन्यूस्क्रिप्ट होता है उसके बाद एक और पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहती है वो क्या है गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर दीरियड ऑफ किंग अल्फर्ड कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ठीक है यहां पे है गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का क्या है ठीक है अंग्रेजी साहित्य का गोल्डन पीरियड यानी सुनहरा समय सुनहरा काल कौन सा था अंग्रेजी साहित्य का सुनहरा समय कौन था स्वर्ण काल कौन सा था तो वो था किंग अल्फर्ड का जो समय था किंग अल्फर्ड जब शासन में थे उस समय का पीरियड जो है ना इंग्लिश लिटरेचर के लिए गोल्डन पीरियड था सुनहरा अवसर था ठीक है सुनहरा समय था ठीक है स्वर्ण काल कहलाता था किंग अल्फर्ड के समय में देखो अभी अब अभी, अभी अभी बोर मत होना ठीक है थोड़ा सा ये आया है बोर मत होना ये सब कितना जरूरी है समझ रहे हो ठीक है तो आपने जो साल भर मेहनत की हो इस साल भर के मेहनत को एकदम सफल बनाओ ये कुछ समय जो आपके एग्जाम में बाकी है कुछ दिन जो बाकी है इस कुछ दिन पे अपना पूरा जी जान लगा दो और हम जब इसके लिए पूरा तैयार है जब सोच लेते हैं ठान लेते हैं कि एक क्लास में पूरा हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ा देंगे अगर इतना जुनून हमारे पास है फिर तो देखो तुमको तो अपना एग्जाम देना है है ना तुम लोग को तो अपना एग्जाम देना है तुम लोग तो अपना उससे मेरे से दुगुना जोश के साथ पढ़ सकते हो है ना तो आ जाओ यहाँ पे अच्छे से पूरा कंप्लीट करके ही आज मानना है ठीक है कॉपी पेन ले लो जो जो इंपॉर्टेंट लगता है लिखते चलो सब लोग ठीक है तो इसमें अभी हार नहीं मानना है एकदम एक्साइटेड होके पढ़ते चलो लगातार ठीक है तो गोल्डन पीरियड ओल्ड इंग्लिश का किसका समय था किंग अल्फर्ड का समय जो है गोल्डन पीरियड माना जाता था स्वर्ण काल माना जाता था ये पॉइंट आप लिख सकते हो बिकॉज क्यों माना जाता था बिकॉज ही ट्रांसलेटेड लैटिन वर्क इनटू वेस्ट सेक्शन ठीक है वो जो थे वर्क्स को वेस्ट वेस्ट सेक्शन सेक्शन में कन्वर्ट किया यानी ओल्ड इंग्लिश ठीक है ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट में कन्वर्ट किया ठीक है लेटिन की ये क्या किए लेटिन वर्ड को बहुत सारे लाए और उसको क्या किए लेटिन वर्क्स जो भी लेटिन वर्क्स किया हुआ था काम किया हुआ था जो रचना वगैरह थी उसको यहां पे

इतना ही आसानी के साथ इतना ही अच्छे तरीके से आपको आगे मिडिल इंग्लिश भी सिखाएंगे मॉडर्न इंग्लिश भी सिखाएंगे ठीक है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज भी सिखाएंगे और सारे चैप्टर आपको इसी आसानी के साथ इसी आसान भाषा में आसान तरीके से तो बढ़े अगला चैप्टर पे अगला चैप्टर पे पढ़े मजा आया सबको करके बढ़े आगे आगे बढ़े हम लोग ओके सो बढ़ते हैं आगे पहले एक बार जल्दी से लिखो आगे बढ़ा जाए आगे किया जाए चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ओल्ड इंग्लिश अपना पूरा खत्म है अब हम लोग मिडिल इंग्लिश को शुरुआत करते हैं ओके भैया सब लोग एकदम फुल जोश में है इसी तरीके से मिडिल इंग्लिश को चलिए इसी जोश के साथ खत्म करते हैं अच्छे से ठीक है मिडिल इंग्लिश को अब हम लोग जानेंगे मिडिल इंग्लिश जो कैसे शुरुआत होती है आइए कहानी सुनते हैं ठीक है आइए वो कहानी फिर से दोहराते हैं वो कहानी फिर से सुनते हैं जो बचपन में सुना करते थे और बहुत मजा आता था वही कहानी उसी टाइप का कहानी हम लोग फिर से यहाँ पे सुनने जा रहे हैं ठीक है उसी टाइप का कहानी हम लोग फिर से यहाँ पे सुनने जा रहे हैं चलो शुरू करते हैं एक कथा एक कहानी देखो क्या है अपने पास ओल्ड इंग्लिश क्या था ये आप लोग जाने ओल्ड इंग्लिश क्या था ये आप लोग जाने बहुत अच्छे से जाने ठीक है कि अपना जो पुरानी इंग्लिश था वो कैसा था कैसे उसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड में कैसे शुरुआत होती है ठीक है फिर उसके बाद मिडिल इंग्लिश कैसे बना ये भी थोड़ा सा हम आपको बताए थे अब देखो यहाँ पे आपको बताते हैं अच्छे से 1066 से लेकर 1150 तक फ्रेंच भाषा ज्यादातर जगह बोली जाने लगी क्योंकि जो आ, जो भी इंग्लैंड के जो शासक थे उत्तराधिकारी जो थे वो फ्रेंच के फ्रांस के साथ मिलकर आक्रमण किए थे इंग्लैंड के आक्रमण कर दिए थे और आक्रमण जब किए थे तो वहां पे क्या हुआ इंग्लैंड में फ्रेंच भाषा बोली जाने लगी कब से कब तक दस से लेके 1150 तक फ्रेंच भाषा बोली जाने लगी लेकिन फिर क्या होता है 1150 में ठीक है जब इसका समय खत्म हुआ का यहाँ पे क्या होता है 1150 में क्या होता है ना कि वहां के पादरियों को ठीक है वहां के पादरियों को लगा कि इंग्लिश का वजूद ही खत्म हो रहा है इंग्लिश का वजूद ही खत्म हो रहा है तब जाके उन्होंने क्या किया उपदेश देना शुरू किया भाषण देना शुरू किया ठीक है और कुछ इस प्रकार से अपना मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है और कुछ इस प्रकार से अपना मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है ठीक है तो पीरियड अपना जो है मिडिल इंग्लिश का पीरियड कितना से कितना है पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश इज फ्रॉम वन एडी वन फिफ्टी टू लेके एडी वन फिफ्टी टू फिफ्टीन हंड्रेड एटी ठीक है यानी ग्यारह सो सन ग्यारह सौ पचास से सन पंद्रह सौ तक का समय जो है उसको हम लोग मिडिल इंग्लिश के समय में रखे हैं याद है इंग्लिश का पीरियड कितना से कितना है फोर फोर्टी नाइन से टेंटी 1066 सिक्स तक, 1066 तक. और उसके बाद इलेवन फिफ्टी से लेके फिफ्टीन हंड्रेड तक का जो समय है वो किस में आता है अपने पास मिडिल इंग्लिश में आता है वो किस में आता है मिडिल इंग्लिश में आता है ओके अब देखो यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट टू सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश अब देखो मिडिल इंग्लिश में ना दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी क्या घटना हो गई भैया देखो ओल्ड इंग्लिश में क्या घटना हुई थी ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई थी क्या घटना हुई थी ये सब आप लोग जाने ओल्ड इंग्लिश में दो घटना हुई दो घटना क्या था दो सिग्निफिकेंस इवेंट हुई ठीक है वो क्या क्या था देखो बहुत ही खास है सबसे पहला द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं ठीक है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ये और दूसरा द ग्रेट व ओल्ड ओल्ड इंग्लिश में यह सब नहीं होता है मिडिल इंग्लिश में यह होता है कि दो घटनाएं होती है दो इवेंट होती है सबसे पहला होता है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता है इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रिंट करने वाला मशीन सबका और दूसरा क्या होता है? भावल, great भावल किया जाता है मतलब बहुत सारे भोवेल जो स्वर होते हैं उसको बहुत सारे शब्द को लाया गया ठीक है तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं थे जो कि इंग्लिश को बहुत समृद्ध बना दिया भाषण ठीक है इंग्लिश को एक बहुत ही समृद्ध लैंग्वेज बना दिया और ये दोनों के बारे में आपको अच्छे से बताते हैं सबसे पहले चलिए प्रिंटिंग प्रेस के बारे में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं ये जो है अपने पास टू सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश ठीक है दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो है सबसे पहला द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आइए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग जानते हैं द प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय विलियम कैक्सटन इन इंग्लैंड इन एडी फोर सेवेंटी सिक्स ठीक है सबसे ज्यादा बार पूछा गया ये सवाल है ठीक है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी याद रखिएगा प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा सेटअप किया गया था विलियम कैक्सटन जी के द्वारा कहाँ पे इंग्लैंड में कब सन जो है चौदह में कब सन चौदह में इंग्लैंड में जो है विलियम कैक्सटन जी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का जो है स्थापना किया गया था सेटअप किया गया था याद रहेगा विलियम कैक्सटन जी के द्वारा चौदह में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया सेटअप किया गया ये आपको याद रखनी है ये आपको जरूर से याद रहनी चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं और इट प्लेड ए हिस्टोरिक हिस्टोरिक रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश और वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है बहुत ही हिस्टोरिक uh, जो है ना रोल uh, निभाती है uh, पूरा इंग्लिश को बढ़ने में डेवलप करने में ठीक है कैसे क्योंकि देखो पहले पहले सीधा सी बात है सोचो पहले आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था तो जो भी एक बार बुक कोई भी लिखा तो उसको हाथ से लिखना होता था दूसरा बुक अगर किसी को देना भी है ना सेम बुक देना पड़ता था नहीं तो दोबारा लिख के देना पड़ता था ये ऐसे छापने वाला मशीन नहीं था ऐसे छापने का कुछ था भी नहीं तो कैसे कोई छाप सकता था है ना तो ये दिक्कत होती थी ये दिक्कत होती थी और देखो अभी अपना मोटिवेशन कब नहीं करना है अभी लगातार बढ़ते चलो अभी तो बस शुरुआत है अभी बहुत कुछ इसमें जानना है।, में, हर एक को करना है तो पहला क्वेश्चन तो से क्लियर हो गया कि विलियम कैक्सन जी के द्वारा गया था छिहत्तर में दूसरा क्या होता है इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स देंज विन इज अबाउटी फोर्टीन 1400 एंड वेयर फुल्ली एस्टेब्लिश्ड बाय एंड ऑफ द मिडिल इंग्लिश यहां पे बोला गया है कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ ग्रेट वोवेल शिफ्ट क्या होता तो क्या होता था कि बहुत सारे परनन्सेस करने में ठीक है परनन्सेस करने में दिक्कत होती थी ठीक है तो इसमें क्या किया क्या किया गया कि वोवेल जो था जो लॉन्ग वोवेल था ठीक है लॉन्ग वोवेल था उसका परनन्सेशन सही किया गया इसमें क्या था बोलने के जो बोलते जो है ना कभी आ, कुछ भी चीज लिखा रहता है कभी तो हम लोग गलत उसको पढ़ देते हैं ठीक है ये सबसे होती है है ठीक तो वो जो जो है ना धीरे धीरे करके करेक्ट किया गया ठीक किया गया और ये कब हो कब होता हुआ था था ग्रेट वोवेल शिफ्ट ये हुआ सौ से लेके और जब जो है एंड ऑफ मिडिल इंग्लिश एंड ऑफ मिडिल इंग्लिश यानी हंड्रेड एडी ठीक है फिफ्टीन हंड्रेड एडी तो मतलब चौदह सौ से लेके पंद्रह सौ तक के बीच में ना पूरा ये ग्रेट वोवेल शिफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया था ठीक है तो ये पूरा हो गया था अपने लोग जाने, प्रिंटिंग प्रेस, अब देखते हैं डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश ठीक है यानी बोली जो है डायलेक्ट यानी बोली जो आप ओल्ड इंग्लिश में भी डायलेक्ट देखे थे कितने चार डायलेक्ट थे और मिडल इंग्लिश में आप डायलेक्ट कितने पांच डायलेक्ट हैं मिडिल इंग्लिश में पांच डायलेक्ट है ओल्ड इंग्लिश में चार डायलेक्ट है और डायलेक्ट से आपके एग्जाम में रहते हैं ना सवाल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देखोगे तो आपके एग्जाम में डायलेक्ट से पूछ दिया जाता है कभी ओल्ड इंग्लिश कभी मिडिल इंग्लिश है ना मॉडर्न इंग्लिश में कोई डायलेक्ट नहीं होता है बस यही दो इंग्लिश में आपको डायलेक्ट पढ़ने हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए ठीक है थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए अच्छे से ओके चलो अब देखो यहाँ पे मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट हैं सबसे पहले आइए जानते हैं ओल्ड इंग्लिश में जो हम डायलेक्ट पढ़े थे ना कितने डायलेक्ट थे ओल्ड इंग्लिश में चार डायलेक्ट पढ़े थे क्या क्या पढ़े थे

ठीक है वेस्ट सेक्शन तो यहाँ पे सेक्शन है तो यानी साउथर्न बन गया ठीक है कैंटेस का कैंटेस ही रह गया और यहाँ पे अमेरिकन जो था ना वो दो पार्ट में बढ़ गया पहला ईस्ट मिडलैंड और दूसरा वेस्ट मिडलैंड ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड और याद रखिएगा ये जो ईस्ट मिडलैंड है ना इसी से आज का मॉडर्न इंग्लिश बना है ठीक है मॉडर्न इंग्लिश जो आज हम लोग बोल रहे हैं ठीक है मॉडर्न इंग्लिश वो इसी डायलेक्ट से अभी आ, आज इसी डायलेक्ट का हम लोग यूज कर रहे हैं ईस्ट मिडलैंड से जो अपना मेरिकन से आया है किस से मेरिकन से है ठीक है मेरिकन से यहाँ पे मिड इंग्लिश में दो बना है ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड ठीक है और यहाँ पे ईस्ट मिडलैंड से हम लोग मॉडर्न इंग्लिश यहाँ पे निकल के आया है जो आज हम लोग बोल रहे हैं ठीक है तो इसका डायलेक्ट आपको याद रहेगा मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट होते हैं पांच नॉर्थर्न साउथर्न उसके बाद कैंटिस उसके बाद एट्स मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड करके याद कर लो रट लो सुबह में उठ के पढ़ लो लेकिन इसको कंप्लीट कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हम आपको यहां पे कवर किए हैं उसके बाद आप देखो अब कुछ कुछ और और पॉइंट है उसको चलिए कंप्लीट करते हैं यहां पे क्या है मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट आपको बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश जो अपने पास डायलेक्ट दो पार्ट में बढ़ गया था ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड ईस्ट मिडलैंड से यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश को बोलते हैं ठीक है ईस्ट से ओके चलो तो इसी प्रकार से एकदम बने रहिए देखो मुश्किल चीज से भागना नहीं चाहिए हर हमेशा मुश्किल को आप पूरा एकदम कंसंट्रेट करके देखोगे ना तो ये मुश्किल बहुत ही आसान लगने लगेगा इस सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे कितना सारा ऑब्जेक्टिव रहता है आप देखना ठीक है आप देखना इस सबसे कितना सारा क्वेश्चन रहता है क्यों हम इस क्लास के लिए इतना ज्यादा हम खुद इतना ज्यादा कहिए तो खुद अपने आप को तैयार किए मोटिवेट किए नहीं एक क्लास में कंप्लीट करेंगे क्यों किए हैं क्योंकि इसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है तुम लोग चार क्लास देंगे पांच क्लास देंगे छह क्लास देंगे तुम लोग एक दो क्लास देखोगे छोड़ दोगे इसलिए पूरा हम कंप्लीट एक ही क्लास में करवा रहे कि अच्छे से तो इसको देख लो रिजल्ट तो आए इसके लिए ठीक है ये पूरा पढ़ लोगे तो आगे चलते हैं वेल नॉन वर्क ऑफ दीज राइटर्स ठीक है इस इस कुछ राइटर्स का यहाँ पे कुछ राइटर्स है जिसका बहुत ही अच्छा अच्छा वर्क है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है जैसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रहती है ठीक है एक अपने पास थे चौसर ठीक है चौसर जी थे वो लिखे थे क्या चीज वो लिखे थे पोरोलॉग ऑफ पोरोलॉग टू द सेंटर वरी टेल्स ठीक है ये लिखे थे यानी याद रखिएगा सेंटर वरी टेल्स यानी दी सेंटर वरी टेल्स ये यहाँ पे कौन लिखे थे चौसठ ठीक है चौसठ जी लिखे थे दी सेंटर वरी टेल्स

उसके बाद देखो ये ये दो आपको मेन याद कौन से रखना है एग्जाम में सवाल किससे रहती है एक सवाल इससे रहती है द सेंटर कौन लिखे हैं तो याद रखिएगा चौसठ जी उसके बाद आपको एक क्वेश्चन यहां से रहता है वाई क्लिफ कौन लिखे हैं तो वाई क्लिफ यहाँ पे आ, क्या किए हैं वाई क्लिफ आ, क्या किए हैं ये किए हैं बाइबल को ट्रांसलेट किए हैं ठीक है बाइबल को ट्रांसलेट किए हैं इंग्लिश में ठीक है तो यहाँ पे वाई क्लिफ ये दो चीज आपको पूछा जाता है ठीक है ये दो चीज आपके एग्जाम में रहती है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है तो ये आप याद करके रखेंगे ओके चलो आप आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब यहां पे देखिए कुछ नोट पॉइंट है उसको देख लेते हैं नोट क्या है जेफरी चौसर ठीक है जैफरी चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोएट्री देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज आ गया ठीक है जैफरी चौसर ये चौसर जी जो सेंट्रल डिटेल्स लिखे थे वही जैफरी चौसर जी जो थे वो क्या कहलाते हैं जैफरी चौसर जी कहलाते हैं क्या सिर्फ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये क्या कहलाते हैं अंग्रेजी साहित्य के पिता कहलाते हैं चौसर जी जैफरी चौसर जी अंग्रेजी साहित्य के पिता कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री और ये साथ साथ इंग्लिश के पोएट्री पोएट्री uh, के फादर कहलाते हैं मतलब अंग्रेजी के जो कविता है इसके भी फादर कहलाते हैं तो आपके एग्जाम में पूछेगा या फिर कोई भी इंसान पूछ लेगा इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन थे याद रहेगा जेफरी चौसर जो दी सेंटर वरी टेल्स से लिखे थे अगर आपसे पूछ ले इंग्लिश पोएट्री का फादर कौन है जैफरी चौसर याद रहेगा ठीक है चलो तो आपको होप्सो याद रहेगा इंग्लिश पोएट्री और इंग्लिश लिटरेचर इस दोनों के फादर सिर्फ और सिर्फ जैफरी चौसर उसके बाद बाइबल को ट्रांसलेट कौन किया इंग्लिश में तो आपको बताए थे वाई क्लिफ ठीक है तो ये हो गया ये हो गया अपना पूरा आगे बढ़े आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं सो so, अपने पास दो चीज खत्म हुआ दो चैप्टर अभी तक खत्म हो चुका है अभी चलिए तीसरा चैप्टर में बढ़ते हैं ठीक है इस मोटिवेशन के साथ रहोगे सब लोग इसी तरीके से अगर जोश में पढ़ोगे देखो अभी कितना जल्दी जल्दी सब चैप्टर खत्म होते जा रहे है। है हैं और तीसरा उसी कहानी को अब अब आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते हैं हैं ठीक है उसी कहानी को मॉडर्न इंग्लिश में आते हैं ठीक है मॉडर्न इंग्लिश में आते हैं थोड़ी सी कहानियां सुनाते हैं थोड़ी सी कहानी सुनो और फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है थोड़ी सी कहानी सुनो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं देखो क्या होता है क्या होता है कि जैसे ओल्ड इंग्लिश था क्या हुआ था जर्मनी के जो लोग थे वो इंग्लैंड पे आक्रमण किए और यहाँ पे इंग्लिश भाषा बोलने जाने लगी इंग्लैंड में ठीक है फिर क्या होता है कि इंग्लैंड के उत्तराधिकारी भाग जाता है कहाँ पे भाग जाता है फ्रांस में और फ्रांस के साथ मिलकर आक्रमण करता है फिर से इंग्लैंड पे तो अब जो है इंग्लैंड में फ्रेंच भाषा बोली जाने तो वजूद ही खत्म हो रहा है फिर उस लो, वो लोग क्या किए भाषण देना, देना शुरू लैंग्वेज में ठीक है अंग्रेजी भाषा में इससे क्या होता है फिर से मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है उस मिडिल इंग्लिश में बहुत ही दो इवेंट होती है ग्रेट वोवेल सेप्ट होता है दूसरा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ जाता है जिससे क्या होता है कि बहुत सारे चीज वर्ड को स्टोर करके रखा जाता है लोगों के पास पहुंचता है सब कुछ अच्छा होता है एक समृद्ध बन जाता है ठीक है ग्रेट वोवेल से जब होता है तो एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध बन जाता है मिडिल इंग्लिश इंग्लिश बहुत ही समृद्ध बन जाता है अंत अंत आते आते और इस प्रकार से शुरू होती है मॉडर्न इंग्लिश अब नया जमाने का बहुत ही समृद्ध इंग्लिश की शुरुआत होती है और समृद्ध इंग्लिश की शुरुआत कब से होती है 1500 से 1500 एडी से मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत होती देखो हम है। है, है, जानते हैं कभी कभी बोर हो जाता है कभी कभी टॉपिक आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये टॉपिक क्या याद करे लेकिन देखो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये आप, आप नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा सीधा सी बात है जो साल भर मेहनत किए हो अगर कुछ दिन और अगर उत, उसी लेवल से अगर डेडिकेशन के साथ अगर मेहनत करोगे या फिर नहीं किए थे तो अब वो डेडिकेशन लाओ अपने अपने अंदर वो आग पैदा करो कि आप अभी से अपने बोर्ड एग्जाम तक एकदम तगड़ा तरीके से पढ़ाई करोगे जैसे आपको लगता है कि इस तरीके से पढ़ेंगे तो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अभी अगर एक क्लास में अगर पूरा एक सेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला तो इसके बाद तो आपको ये ये चीज का टेंशन नहीं रहेगा ये चीज का डर नहीं रहेगा दोबारा से कि नहीं ये चीज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है एक देखना ये कंप्लीट होगा ना ये जब अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो अलग ही मोटिवेशन रहेगा तुम लोग के पास क्या सर यार ये क्लास में खत्म खत्म कर ली बहुत ही अलग ही लेवल का मोटिवेशन आएगा देखना तुम लोग अभी देखो यहाँ पे क्या होता है

और आज तक चलते आ रहा है टिल नाउ यह हुआ मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग अभी इंग्लिश पढ़ते हैं ठीक है और ये आ, कब से स्टार्ट हुआ था फिफ्टीन सेंचुरी से लगभग ऐसा फिफ्टीन सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था पंद्रह से आप ऐसे लिखना एग्जाम में ठीक है अब देखो दिस पीरियड इज डिवाइडेड इंटू मॉडर्न इंग्लिश वन ठीक है मॉडर्न इंग्लिश को दो पार्ट में बांटा गया पहला मॉडर्न इंग्लिश वन और मॉडर्न इंग्लिश टू ऑन द बेसिस ऑफ सोशल टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे सोशल परिवर्तन हुआ ठीक है बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया बहुत सारा विचारधारा बदला पॉलिटिकल जो है डेवलपमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न इंग्लिश को दो पार्ट में बांटा गया है सबसे पहला पार्ट वन और पार्ट टू अब देखिए यहाँ पे क्या है द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वन वॉज लार्जली हेल्प्ड बाई

ये पीरियड वन हो गया मॉडर्न इंग्लिश ठीक है मॉडर्न इंग्लिश क्या करता है मॉडर्न इंग्लिश बोरोड वर्ड फ्रॉम लैटिन फ्रेंच ग्रीक इटालियन स्पैनिश ठीक है एंड अदर लैंग्वेज रैपिडली टू एक्सप्रेस न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज ठीक है टेक्निक्स मतलब क्या करता है मॉडर्न इंग्लिश जब 1500 एडी से शुरू होता है तो ये बहुत सारे शब्द लाता है कहां से लैटिन भाषा से फ्रेंच से ग्रीक से इटालियन से स्पेनिश से बहुत सारे भाषा से अलग अलग भाषा से नए नए शब्द अपने आप में जोड़ता है इंग्लिश में जोड़ता है धीरे धीरे करके तब ना सुनते हैं कि अच्छा ये शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया था ये शब्द हिंदी से लिया गया ये सब संस्कृत से लिया गया है, है ना अलग अलग शब्द ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश के जो लोग थे सब लोग अलग अलग जगह से अलग अलग लैंग्वेज से कुछ कुछ शब्द पकड़ के लाए ये सब शब्द हम इंग्लिश में यूज करेंगे ये सब शब्द इंग्लिश का हुआ है ना चलो तो ये ये सब से लिया गया था अब यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अच्छा ये शब्द दे देगा एक शब्द देगा पूछेगा ये कहां से लिया गया ये कौन से भाषा से लिया गया था तो देखो जो यहां पे 16th 17th में कुछ कुछ वर्ड लिया गया था भाषा से क्या क्या शब्द लिया गया था वो सबसे पहले जानते हैं या ग्रीक भाषा से तो ये लिया गया था एडोप्ट लिया गया था एप्रोप्रिएट लिया गया था कैप्सूल लूनर वायरस ये सब लैटिन से लिया गया था फ्रेंच से लिया गया था एलू बैटरी ठीक है चॉकलेट पासपोर्ट टिकट उसके बाद हिंदी से देखो हिंदी भाषा से इंग्लिश कौन कौन सा शब्द लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिंदी भाषा से देखो हिंदी में भी गुरु होता है ठीक है पंडित होता है स्वपोय होता है सारी होता है ठग होता है ठीक है तो ये सब हिंदी भाषा से इंग्लिश का लिया हुआ शब्द है ऐसे ही अरेबिक भाषा से क्या लिया गया सुल्तान शेख ठीक है एलजेवरा ठीक है ये, ये, <स्थालियस> ये सब लिया गया था इटालियन भाषा से बैलकनी बैलट सोनेट ये सब लिया गया था सोनेट आप पढ़े होंगे ठीक है दी सोल्जर चैप्टर ठीक है लॉटरी फ्यूज ये सब लिया गया था लैटिन भाषा से उसके बाद पोर्सूज भाषा से क्या लिया गया था बफेलो ठीक है बरांडा ठीक है ये सब लिया गया था उसके बाद देखो पार्सियन से क्या लिया गया था बाजार सोफा सा दीवान ये सब लिया गया था स्पेनिश भाषा से बनाना ठीक है कॉकरोच ये सब लिया गया था डच भाषा से भी लिया गया था नैपेक ठीक है लैंडस्केप ये सब लिया गया था स्लीम उसके बाद तुर्की भाषा से कॉफी लिया गया था अफ्रीकन आर, भाषा से ट्रैक लिया गया था ठीक है ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द था जो कि हम आपको अभी यहां पे बताए हैं कि कौन से भाषा से कौन कौन सा शब्द लिया गया था ठीक है ये सब शब्द आपके एग्जाम में कुछ भी एक शब्द दे देगा और पूछेगा ठीक है चलो ठीक है तो यहां पे कुछ कुछ शब्द जो है यहां पे देख लिए सोनेट कैसे लिया गया था सोनेट लिया गया था लेटिन भाषा से इट, सॉरी इटालियन भाषा से इटालियन भाषा से सोनेट लिया गया था इंग्लिश में अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं यहां पे देखिए वेल नॉन वेल नॉन लिटरेरी वर्क ऑफ दिस पीरियड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि इस पीरियड में लिया गया था किया गया था ठीक है देखो लड़के कम हो रहे हैं क्योंकि यहां पे अब थोड़ा सा हार्ड टॉपिक आया इंटरेस्टिंग आया तो लड़के कम हो रहे हैं ऐसे में ऐसे नहीं होना चाहिए कब तक आसान आसान पे रहोगे कब तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करोगे ठीक है कब तक ऑब्जेक्टिव करोगे कुछ मुश्किल से तो लड़ो ठीक है कुछ मुश्किल से तो लड़ो तब तो हुआ बात आ जाओ पढ़ते यहां पे एडमंड एडमंडर यहाँ पे ये क्या किए थे uh, फेरी uh, क्वीन यहाँ पे ये uh, लिखे थे उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लोव लिखे थे uh, क्या लिखे थे डॉक्टर <coughs> लिखे थे उसके बाद फ्रांसिस uh, बैकॉन uh, यहाँ पे क्या लिखे थे एसेज लिखे थे उसके बाद यहाँ पे बेन जॉनसन ठीक है ये लिखे थे वॉलपोन लिखे थे उसके बाद शेक्सपियर जी यहाँ पे क्या लिखे थे यहाँ पे ये लिखे थे किंग uh, लेयर लिखे थे इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है शेक्सपियर जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ये आपके एग्जाम में बहुत बार सवाल आया है ठीक है किंगलियर लिखे हैं ओथेलो लिखे हैं मैकवेथ लिखे हैं द मर्चेंट वेनिस लिखे हैं ये सब कौन लिखे हैं शेक्सपियर जी और हर बार एग्जाम में रहा है कोई बार एक बार हमको दिखाना जिसमें इसमें इससे नहीं पूछा जाता है रहता ही है शेक्सपियर <laughs> जी है ही इतना इंपॉर्टेंट एटीन सेंचुरी इज ऑल्सो नॉन एज एज आपके एग्जाम में पूछेगा अगस्तन एज कौन से सेंचुरी को कहा जाता है

धैर्य एकदम बनाए रखे सब कुछ कंप्लीट करेंगे अभी चलो देखो कुछ कुछ पॉइंट है जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सब पॉइंट पॉइंट लिखा गया है इन सेवेंटी फाइव डॉक्टर सेमुल जॉनसन ठीक है रोड फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहला इंग्लिश कौन लिखे थे सबसे पहला इंग्लिश लिखे थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जी 1755 में ठीक है 1755 में 1755 में सैमुअल जॉनसन जी पहला डिक्शनरी लिखे थे जिसका नाम क्या रखते थे ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपके एग्जाम में पूछेगा पहला डिक्शनरी का नाम क्या था ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा कौन लिखा था सैमुअल जॉनसन कब लिखे थे 1755 में ठीक है चालीस हजार शब्द लिखे हुए थे बुक्स ऑफ ग्रामर वे आर ऑल्सो रिटर्न इन एटीन सेंचुरी ठीक है तो यहाँ पे कुछ कुछ ग्रामीरियन है यहाँ पे चलते हैं देखते हैं पहला यहाँ पे है विलियम विलियम लॉकटन तो ये ये क्या लिखे प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टॉन्ग ठीक है यहां पे कुछ कुछ ग्रामर भी लिखा गया था एटीन सेंचुरी में सेंचुरी में हम लोग आ, क्या देखे हैं कि यहाँ पे डिक्शनरी लिखा गया था ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज और एटीन सेंचुरी में कुछ कुछ ग्रामर भी लिखा गया था जो कि ग्रामर कौन कौन सा है विलियम लॉकटन है जो कि प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टॉन्न यहाँ पे ये यह लिखे उसके बाद जोसफ यहाँ पे है जोसफ प्रेस्टली uh, यहाँ पे है जो कि द रूडिमेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिखे हैं उसके बाद रॉबर्ट लॉथ हैं जो कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर ये बुक लिखे हैं उसके बाद देखो जेम्स uh, <coughs> बोचानन है ठीक है जो कि द ब्रिटिश ग्रामर लिखे हैं और उसके बाद यहाँ पे <coughs> लेंडले मरे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर को यहाँ पे लिखे हैं ठीक है तो ये यह यहां पे कुछ कुछ ग्रामर जो लिखे हैं कुछ ज्यादा खास नहीं है नहीं ज्यादा चांस नहीं आएगा ठीक है अगर आएगा भी तो आपके पास उतना ऑप्शन रहेगा चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज बहुत ही खास है चैप्टर ठीक है और बहुत ही आसान चैप्टर है मतलब कोई टफ चैप्टर नहीं है छोटा सा चैप्टर है पांच से छह मिनट में इसको खत्म कर लेंगे ठीक है पांच से सात मिनट में इसको खत्म कर लेंगे तो बस थोड़ा सा बस अगर आप रुकोगे ठीक है थोड़ा सा बस रुकोगे हम इसको कंप्लीट कर देंगे बस थोड़ा सा रुकना है और ये चैप्टर खत्म पांच से छह मिनट दोगे पांच से छह मिनट चलो चलो दो पांच से छह मिनट इंग्लिश एज ए वर्ल्ड मतलब क्या हो रहा है अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा भाषा के के रूप में, अंग्रेजी बिस के रूप में English as a world language, अंग्रेजी बिस के रूप में इंटरनेशनल और वर्ल्ड लैंग्वेज टूडे इंग्लिश क्या है कौन सा लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है या वर्ल्ड लैंग्वेज है आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा तो याद रहेगा इंग्लिश को बोला जाता है इंटरनेशनल लैंग्वेज वर्ल्ड लैंग्वेज ठीक है इट इज ए स्पीकर

पहली मातृभाषा तो हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी को ही रखते हैं ना हिंदी अपना फर्स्ट लैंग्वेज है सेकेंडरी लैंग्वेज अपने लोग का इंग्लिश है है ना तो यही यहां पे तीन यहाँ पे क्या किया गया है यहाँ पे तीन भाग में बांटा गया है फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज और फॉरन लैंग्वेज ठीक है अब आ जाओ कौन कौन सा देश क्या क्या यहाँ पे <laughs> मानता है देखो कंट्री कंट्री वेयर इंग्लिश इज एज ए फर्स्ट फर्स्ट लैंग्वेज लैंग्वेज में में कौन कौन से देश अंग्रेजी को बोला जाता है ठीक है तो देखो इंग्लैंड में यूएसए में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में कनाडा में आयरलैंड में उसके बाद साउथ uh, अफ्रीका इस सब जगह पे पहला लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज मदर टोंग जिसको कहते हैं ठीक है मातृभाषा इस सब देश में इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया है और लेकिन कुछ कुछ ऐसे देश हैं जो कि सेकेंड लैंग्वेज कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज ठीक है द्वितीय भाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया है जैसे इंडिया सिंगापुर बैंकॉक हॉन्गकिया ये सब सेकेंड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया है ठीक है इंग्लिश को द्वितीय भाषा के रूप में कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज एज ए फॉरन लैंग्वेज कुछ कुछ ऐसे देश हैं जो कि इंग्लिश को फॉरन लैंग्वेज के रूप में यूज किया गया है वो कौन कौन से देश है वो है चाइना ठीक है यूएई साउथ अरेबिया ठीक है इराक फ्रांस जर्मनी जापान रसिया ये सब देश इस समय आप देखोगे ना ये सब देश uh, ये सब जो देश हैं ये सब इंग्लिश बोलते नहीं है ये सब अपना अपना लैंग्वेज है इन लोग का ठीक है अपना अपना लैंग्वेज है इसलिए ये लोग इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं अब यहाँ पे देखो चाइना जो है चाइना का लैंग्वेज कौन है चाइनीज जिसको कहते हैं मंदारियन लैंग्वेज ठीक है मंदारियन लैंग्वेज कहते हैं चाइना का जो लोग बोलते हैं ठीक है उसके क्या है हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ दी नेटिव स्पीकर ठीक है उसके जो बोलने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा है क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन भी उतना ही ज्यादा है ना और भारत में क्या है भारत में हिंदी क्यों नहीं बन पाया क्योंकि हिंदी भारत में अपने पास इतना सारा लैंग्वेज है ना इतना सारा लैंग्वेज है हर जगह हर कदम कदम पे यहाँ पे भाषा बदलता है, है ना इसलिए यहाँ पे हिंदी का उतना भाषा नहीं है इंग्लिश का उतना ज्यादा <laughs> यहाँ पे क्या है यहाँ पे सीधा सी बात है चाइना में लोग मंदारियन ज्यादातर लोग बोलते हैं इसलिए यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर है सबसे ज्यादा कौन से भाषा जा बोली जाती है यहाँ पे सीधा सीधा बात है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के लोग ठीक है कौन है तो चाइनीज लोग जो बोल न, मंदारियन जो भाषा है उसको सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं इंग्लिश स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड ज्यादातर देशों में ज्यादातर जगहों पे इंग्लिश को बोला जाता है ठीक है ज्यादातर जगहों पे ये तो हम लोग जानते हैं कि कहीं भी विदेश जाते हैं तो इंग्लिश एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से और देखो बस कुछ ही और है चैप्टर खत्म इसी प्रकार से कुछ ही और कुछ ही और देखते चलना है और चैप्टर अपना खत्म होते चलेगा है ना <coughs> ठीक है बस थोड़ा थोड़ा बस कंप्लीट करते चलो अब देखो कम ही कम थोड़ा थोड़ा पांच पांच मिनट दस दस मिनट का चैप्टर है ठीक है बस आराम से आप रुको जल्दी से जल्दी अब खत्म कर देंगे और इसी हिसाब से तो क्वेश्चन रहती है सब खत्म कर लेते हैं ना आराम से देखो एंग्लो कम्युनिटी ऑफ इंडिया आल्सो यूज इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज अब देखो भारत में रहने वाले लोग के लिए हम जानते हैं कि अंग्रेजी आ, क्या है अंग्रेजी यहां पे द्वितीय भाषा के रूप में पहला लैंग्वेज मातृभाषा हम लोग अपनाते हैं किसको है हम लोग अपनाते हैं हिंदी को मातृभाषा के रूप में लेकिन कुछ लोग हैं भारत में जो कि इंग्लिश को मातृभाषा मानते हैं कौन से ऐसे लोग हैं इसको भारत से निकालोगे नहीं ये लोग क्या है <laughs> ये लोग क्या है इन लोग को कहते हैं एंग्लो कम्युनिटी ऑफ इंडिया ठीक है यानी एंग्लो कम्युनिटी इन लोग को रखा गया एंग्लो कम्युनिटी या तो इसके जो है फादर जो होंगे इसके फादर जो होंगे ये कहां से होंगे ये इंग्लैंड के होंगे ठीक है और माँ जो होंगे मदर जो होंगी वो होंगे इंडिया से ठीक है <coughs> या फिर उल्टा हो जाएगा इनके मदर होंगे इंग्लैंड के और फादर हो जाएंगे इंडिया के मतलब जो इंडिया और इंग्लैंड के ये दो पर्सन जो रहते हैं वो अलग अलग जगह से रहेंगे और उनके जो बच्चे होंगे या फिर वो लोग जो होंगे वो लोग कहलाते हैं एंग्लो कम्युनिटी में आते हैं ठीक है ठीके? और वो लोग इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं मातृभाषा के रूप में आगे देखिए क्या है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टूडे इंग्लिश आज एक क्या है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है इट इट इज द लैंग्वेज ऑफ टेलीकॉम बैंकिंग ट्रेड मार्केटिंग कंप्यूटर इंटरनेटिक मेडिसिन एकेडमी साइंटिफिक राइटिंग स्पोर्ट्स कोर्स एंड इंटरव्यू ये इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह यूज किया जाता है वही चीज यहाँ पे बताया गया

चलो अब आगे बढ़ते हैं दी ऑफ इंग्लिश ड्रामा इसको अब चलिए समझते हैं इंग्लिश ड्रामा <coughs> आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा बताए है? बताते हैं यहां पे जो है ओरिजिन इसका पढ़ लो ये इससे देखो सवाल आपके एग्जाम में कहां से पूछा जाता है अभी तुरंत पता चलेगा द वर्ड ड्रामा ठीक है वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ठीक है ग्रीक वर्ड मीनिंग थिंग्स डन एंड द थिंग इज डज और विथ एक्टिंग ड्रामा जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है थिंग डन काम हो गया ठीक है और उसका क्या चीज है एंड द थिंग इज ड और काम कैसे हो रहा होगा काम कैसे हुआ है एक्टिंग के माध्यम से ठीक है एक्टिंग के माध्यम से हो रहा होता है तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि ड्रामा वर्ड कौन से शब्द से कौन से शब्द से लिया गया है ठीक है किससे लिया गया ग्रीक वर्ड से Uh, या फिर uh, इटालियन से लिया गया फ्रेंच से लिया गया है क्या हो जाएगा तो ड्रामा जो लिया गया है ड्रामा किससे लिया गया है ड्रामा लिया गया है ग्रीक भाषा से ठीक है कौन से सबसे ग्रीक भाषा से ये सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं आगे देखिए द टू वर्ड्स ड्रामा एंड प्ले बोथ आर ठीक है ड्रामा एंड प्ले बोथ आर क्या है सिनोनिम्स बट इन आवर कंट्री द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन वर्ड प्ले सिनोनिम्स में आपसे पूछ सकता है कि ड्रामा का सिनोनिम्स क्या होगा याद रखेगा प्ले होता है ड्रामा का क्या चीज ड्रामा का समानार्थी शब्द क्या होता है सिनोनेम्स होता है अब चलिए कुछ यहां पे तीन जो है तीन यहां पे बॉक्स बना हुआ है ये तीन बॉक्स बहुत खास है क्या है चलिए अब देखते हैं चलिए देख बोल रहे हैं स्टूडेंट सर आपका लग रहा है मुँह दुख गया है ऐसा नहीं अः देखो तुम लोग पढ़ोगे तो हम हर हमेशा पढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे चाहे कितने भी घंटा हो जाए ठीक है ये सब तो एकदम मैराथन क्लास में आता है कि एकदम लगातार बने रहना है अब वो उस टाइप का जोश तुम लोग के अंदर है या नहीं है वो तो मतलब पता नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जब टफ चीज आते हैं तो निकल पड़ते हैं आ, कितने दिन तक ऑब्जेक्टिव करोगे कितने दिन तक आसान चीजों को देखोगे है ना कभी तो एकदम लड़ो उस चीज से जिससे डर लगता है उससे कभी तो मतलब एक बार लड़ के तो देखो ये सब चीज क्या है कंप्लीट करो इस सबको देखो क्या है आ, ड्रामेटिक एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछेगा राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ ड्रामेटिक ठीक है राइट डाउन ड्रामेटिक एलिमेंट ठीक है तो आपको बोलेगा ड्रामेटिक एलिमेंट लिखने के लिए तो आप ऐसे लिखोगे प्लॉट प्लॉट <laughs> का मतलब होता है कथा वस्तु कि प्लॉट आप ड्रामा का एक प्लॉट होता है कथा वस्तु का होता है कि ड्रामा बेसिकली किसके आधार किसके आधार पर है किस बेसिस पे बनाया गया है ड्रामा का कथा वस्तु क्या है <laughs> उसके बाद कैरेक्टर आता है यानी पात्र ठीक है ड्रामा के कौन कौन से पात्र हैं ये चीज का पता चलता है ड्रामा में कौन कौन पात्र होंगे <laughs> उसके बाद डायलॉग आते हैं डायलॉग आप देखते होंगे मूवी में एकदम डायलॉग मारते हैं डायलॉग अगर अच्छा हिट रहता है तो मूवी हिट हो जाता है है ना उसी प्रकार से ड्रामा में भी डायलॉग काम आता है डायलॉग बहुत ज्यादा काम आता है जिसका मतलब होता है संवाद या वार्तालाप ठीक है उसके बाद क्या है गेसर ठीक है गेसर का मतलब क्या होता है हाव भाव ठीक है हाव भाव ड्रामा में अगर हाव भाव नहीं रहेगा ना एकदम कोई कलाकार कितना अंदर तक घुस के उसमें एक्टिंग करता है ये बहुत मायने रखता है गेसर बहुत ज्यादा मायने रखता है उसके बाद म्यूजिक संगीत भी ड्रामा का एक क्या है एलिमेंट है ठीक है ड्रामा में संगीत भी रहता था और सोलो भी है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है स्वागत भाषण मतलब ड्रामा जब शुरू होता है स्वागत भाषण जरूर होता है ठीक है तो ड्रामा का यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट है प्लॉट कैरेक्टर डायलॉग गेस्टर म्यूजिक सोलिल्यू तो ये सब कुछ आप याद रखिएगा, ठीक है ये सब आप कुछ याद में अन्य स्वागत भाषण अब चलो यहाँ पे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कौन कौन से है आपके एग्जाम में अगर ड्रामेटिक एलिमेंट के जहां पे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर पूछेंगे कौन कौन से हैं तो ये सब कुछ कुछ होते हैं ठीक है ये सब कुछ कुछ होते हैं <laughs> चलो तब ये देखते हैं सर थोड़ा सा रुक जाइए स्क्रीनशॉट लेना होता था चलो बढ़ते हैं आगे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर <laughs> <laughs> चलो यहां पे क्या है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला एक्सपोजिशन ठीक है एक्सपोजिशन आता है इसमें पहला स्ट्रक्चर क्या है एक्सपोजिशन है यानी स्पष्टीकरण ड्रामा में कौन कौन है उसके बारे में स्पष्ट करना होता है शुरू में ही कि भाई कौन कौन सा स्पष्टीकरण कौन क्या है क्या किसके किस बारे में सब कुछ स्पष्ट कर दिए उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आएगा कुछ आएगा उलझन ठीक है जिसको कहते हैं उलझन आना ठीक है कॉम्प्लीकेशन आएगा कुछ उलझन आएगा क्राइसिस आएगा मतलब क्राइसिस मतलब कह सकते हैं कोई आ, मतलब खतरा आ गया ठीक है क्राइसिस यानी कोई खतरा आ गया संकट आ गया ठीक है <laughs> उसके बाद क्या है ठीक है का बेसिकली मतलब क्या होता है डिनोनमेंट का मतलब होता है क्या चीज संयंत्र ठीक है षड्यंत्र जिसको बोलते हैं चाल बोलते हैं ठीक है <laughs> क्या होता है डिनोनमेंट का मतलब षड्यंत्र यानी चाल ठीक है अब यहाँ पे जैसे विलन आया ठीक है एक ड्रामा में क्या होता है एक विलन होता है वो चाल चलेगा उसके बाद क्या होता है कैस्ट ऑफ तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है बड़ी आपत्ति ठीक है बड़ी आपत्ति तो ये ड्रामा में दिखाया जाएगा मतलब एक तरीके से इंटरेस्टिंग कैसे ड्रामा बनेगा एक एक करके चलेंगे तो ऐसे करके और लास्ट में कंक्लूजन आ जाता है कि अच्छा ये हुआ सारा चीज क्लियर कर जाता है निष्कर्ष निकाल दिया जाता है तो ड्रामा का यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर है इस अकॉर्डिंग ड्रामा चलता है आगे चलो ड्रामा के कितने टाइप्स होते हैं ये अब पूछा गया है कितने टाइप्स होते हैं ड्रामा के ये पूछा जाता है ठीक है अब देखो अब होता है एक ट्रेजी ठीक है ट्रेजी मतलब दुखांत नाटक कुछ नाटक कैसे होते हैं कुछ ड्रामा कैसे होते हैं दुखांत नाटक होते हैं कुछ नाटक कैसे होते हैं कॉमेडी यानी सुखांत नाटक होते हैं कुछ कैसे होते हैं दुखांत और सुखांत का मिक्स होते हैं यानी ट्रेजी और कॉमेडी ठीक है मतलब दुखांत और सुखांत का दोनों मिक्सअप रहते हैं ठीक है दुखांत और सुखांत का दोनों मिक्सअप होते हैं चलो उसके बाद यहाँ पे क्या है फार्स फार्स का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है तमाशा ठीक है इसका मतलब क्या होता है तमाशा उसके बाद क्या है मेलो ड्रामा मेलो ड्रामा का भी मतलब क्या होता है दुखांत जो ट्रेजिडी का मतलब होता है ट्रेजिडी उसी तरीके से मेलो ड्रामा सेम होता है बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बस मेलो ड्रामा का भी मतलब दुखांत होता है और यहाँ पे मैस्क्यू यहाँ पे क्या है ये है कठपुतली ड्रामा एक कठपुतली का भी ड्रामा होता था ठीक है पहले पहले के जमाने में लोग देखते थे शायद आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे नहीं पता लेकिन हम तो देखे हैं ठीक है ये कठपुतली वाला तो हम देखे हैं <laughs> उसके बाद वन एक्ट प्ले ठीक है वन एक्ट प्ले यानी एकांकी नाटक, भी होता था, एक नाटक। तो ये ड्रामा के कुछ टाइप्स है ठीक है अब चलो बस अब देखो ये भी खत्म होने वाला है फिर उसके बाद अगला और चैप्टर आएगी ठीक है आगे देखते हैं द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वॉज गॉज रिटेन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्थन ठीक है थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्थन जी के द्वारा पहला जो है ट्रेजेडी ठीक है ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक लिखा गया था ठीक है इंग्लिश में गौर गौरवडुक नाम था उसका ठीक है गौरवडुक पहला इंग्लिश ट्रेजेडी जो है ड्रामा कौन सा था गौरवडुक जो कि लिखा गया था किसके द्वारा थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्थन जी के द्वारा उसके बाद क्या है दी फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा वाज़

of uh, sx square who, uh, who were known as university ठीक है who were known as university vets ठीक है university vets के नाम से कौन जाना जाते थे ठीक है university vets के नाम से दे वेर जॉन लिली थॉमस किनाड कार्ड उसके बाद जॉर्ज uh, पील और उसके बाद यहाँ पे क्या है रॉबर्ट ग्रीन एंड उसके बाद के स्टॉफर मार्लो ये सब क्या थे यूनिवर्सिटी <coughs> vets के नाम से जाने जाते थे मतलब जो uh, <coughs> जो ये थे ना मतलब अपने पास कौन <laughs> शेक्सपियर जी इनसे पहले जो लोग थे वो लोग जाने जाते थे यूनिवर्सिटी के नाम से उसके बाद क्या है इंग्लिश ड्रामा द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्यून एलिजाबेथ आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है ठीक है किस समय पे इंग्लिश ड्रामा जो है ना हाइएस्ट पॉइंट पर था तो क्वीन एलिजाबेथ का जो समय था वो उस समय इंग्लिश ड्रामा जो है हाइएस्ट पॉइंट पर था क्वीन एलिजाबेथ का समय जो था <laughs> उसके बाद आइए जो थोड़ा सा शेक्सपियर जी के बारे में जानते हैं ठीक है शेक्सपियर जी के बारे में जानते हैं और यहाँ पे क्योंकि इनके इनसे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में काफी ज्यादा रहते हैं शेक्सपियर बोर्न इन 1558 ठीक है इनका जन्म कब होता है पंद्रह सो क्या कब होता है पंद्रह में और डाइड कब ये करते हैं सोलह सो सोलह में इनका निधन हो जाता है ये है शेक्सपियर जी और हिज इंपॉर्टेंट बुक्स आर हेमलेट ऑथेलो मैकवेथ ये सब उनकी बहुत फेमस बुक है जूलियस सीजर uh, उसके बाद किंग लेयर ऑफ वेनिस ठीक है एज यू लाइक इट दिड मिड समर नाइट ड्रीम ठीक है तो यहाँ पे ये सब कुछ उनकी प्रमुख किताबें हैं उसके बाद देखिए वेस्टलैंड को कौन लिखा दी वेस्टलैंड को कौन लिखा ये भी सवाल काफी बार पूछा गया है देखना आप प्रीवियस ईयर में uh, टी एस सिल्वार जी के द्वारा लिखा गया है आर्म्स एंड द मैन कौन लिखे हैं तो ये लिखे हैं जी बी सॉ उसके बाद तुगलक किसके द्वारा लिखा गया तो ग्रेस uh, कर्नाथ जी के द्वारा लिखा गया है उसके चित्रा एंड रेट जो है ओलेंडर किसके द्वारा लिखा गया है यह लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा तो यह सब कुछ कुछ यहां पे प्रमुख रचनाएं हैं ठीक है प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपको देखना रहेगा ठीक है तो अब जाके अब जाके देखो अब यहां पे क्या है चलो अब जाके देखो यहां पे ये सब कुछ कुछ रचनाएं हैं अब जाके फाइनली हम लोग का पांच चैप्टर खत्म हुआ अंतिम चैप्टर एक बाकी रहा <coughs> आ जाओ अंतिम चैप्टर भी खत्म कर लेते हैं छोटा सा बहुत छोटा सा बच्चा सा चैप्टर है आ जाओ ए स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश ठीक है नॉवेल इन इंग्लिश का यहाँ पे कुछ अब कहानी हम लोग जानते हैं ड्रामा का तो हम लोग जान गए अब यहाँ पे नॉवेल है इंग्लिश ड्रामा के बारे में भी जान गए इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज के बारे में जान गए मॉडर्न इंग्लिश मिडिल इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश इस सब के बारे में जान गए अब अंतिम बसता एक बेचारा इंग्लिश उपन्यास ठीक है इसको भी आइए जान लेते हैं इंग्लिश उपन्यास की कहानी ठीक है वट इज नॉवेल सबसे पहले सवाल आता है कि नॉवेल क्या होता है भाई Novel होता है नॉवेल इज ए वाइटल रिकॉर्ड ऑफ वट वी सी फील थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ एक क्या होता है एक महत्वपूर्ण रचना होता है वाइटल रिकॉर्ड का मतलब महत्वपूर्ण रचना ठीक है नॉवेल क्या होता है एक उपन्यास क्या होता है अपने जीवन का जो हम देखे जो हम फील किए जो हम महसूस किए जो हम सोचे ठीक है जो हम सीखे अपने लाइफ से वो सब आ, का महत्वपूर्ण रचना होती है नॉवेल उपन्यास होती है इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू दी मीडियम ऑफ लैंग्वेज और ये क्या होता है एक एक्सप्रेशन होता है Uh, क्या चीज नॉवेल uh, अपने पूरे जीवन का जो है जर्नी जो होता है ठीक है उसको लिखा जाता है एक लैंग्वेज के माध्यम से एक भाषा के माध्यम से नॉवेल लिखा जाता है ठीक है तो यहाँ पे नॉवेल क्या होती है ये आपको समझ में आया अपनी जीवन के बारे में जो वो देखे कोई भी आदमी देखा सुना पढ़ा सीखा ये सब अपने वाइटल रिकॉर्ड करते हैं मतलब उसको लिखते हैं उसी को कहते हैं नॉवेल <coughs> देखो कौन कौन यहाँ पे क्या लिखे हैं देखो सर वॉल्टर स्कॉट जो थे हिस्टोरिकल तो नॉवेल फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कौन कहलाते हैं सर वॉल्टर स्कॉट जी उसके बाद देखो बुनियान जी क्या लिखे है? इस ऑफ मॉडर्न नॉवेल जो मॉडर्न नॉवेल है उसके प्वाइनीर कहलाते हैं यानी पथ शुरू करने वाला ठीक है पथ प्रारंभ करने वाले को प्वाइनर कहते हैं ठीक है तो बुनियान जो थे वो क्या थे मॉडर्न नॉवेल के पॉइनर माने जाते हैं ठीक है उसके बाद देखो रिचार्डसन इज कॉल फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल ठीक है शुरू करने वाले कौन थे पॉइनर कौन थे बुनियान थे मॉडर्न इंग्लिश नॉवल के ठीक है और मॉडर्न नॉवेल के पिता कौन कहलाते हैं तो रिचार्डसन कहलाते हैं रिचार्डसन याद रखिएगा सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसका आंसर गूगल पे भी गलत मिलता है और लोग गलत टिक करते हैं ठीक है याद रखिएगा रिचार्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल रिचार्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल याद रहेगा

अब आगे बढ़े अब देखो लास्ट बस कुछ ही समय कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी तो बस थोड़ा सा और देख लो चलिए द फर्स्ट ठीक है द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश वाज राजमोहस वाइफ बाय वंकिम चंद्र

और ऐसे ही यहां पे कुछ कुछ और जो है यहां पे रचना है और इसको लिखे कौन है ये यह यहां पे दिया गया है जिसका आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप याद कर सकते हैं ठीक है थीके? इसको आप आराम से याद कर सकते हैं ठीक है थीके? <laughs> जैसे इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है ये हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है ये आप थोड़ा सा याद रखिए रखिये गाइड को कौन लिखे आर के नारायण ठीक है <laughs> उसके बाद गॉड ऑफ थे स्मॉल थिंग्स ये लिखे हैं अरुण अरुणती रॉय ठीक है अरु, और उसके बाद दी गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय इसको कौन लिखे हैं विक्रम सेठ ठीक है और उसके बाद देखो अनटचेबल ठीक है ये पूछा गया गया सवाल है है आनंद जी के द्वारा लिखा डेविड कॉपरफील्ड और ये कौन लिखे हैं ये चार्ल्स लिखेज लिखे हैं ये पहले पढ़ना भी होता था ठीक है नॉवेल जो है ना पहले आपका जो है इंग्लिश जो था ना उसमें पढ़ना होता था इंग्लिश पचास मार्क्स में उसमें डेविड कॉपरफील्ड पहले के बच्चे बिहार बोर्ड के पढ़ते थे ठीक है तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि आप आराम से इसको याद कर लेंगे और अपना पूरा यहां पे क्या होता है पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या होती है कंप्लीट होती है तो क्या होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूरा क्या होता है कंप्लीट होता है क्या होता है क्या होता है कंप्लीट होता है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना पूरा लास्ट तक रुके रहे अच्छे से देखे अच्छे से कंप्लीट किए इसी तरीके से अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे ठीक है डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे और अच्छे से आप देखेंगे तो देखना स्टोरी ऑफ इंग्लिश कितना आसान था कितना और हर टॉपिक आसान हो जाएगा है ना अभी देखो हम बहुत सारा लंबा लंबा क्लास लाने वाले हैं मैराथन क्लास जिसको आप बोलो ठीक है तो वैसे वैसे क्लास में बहुत सारे अभी लाने वाले हैं तो देखो उसके लिए आप लोग को कंटिन्यूअस रहना होगा आप लोग को देखना होगा कि भैया अगर क्लास ला रहे हैं तो हमको देखना है है ना हमको पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि देखो हम ऑलरेडी हम ये चाहते हैं कि जो भी इस चैनल पे हम वीडियो देना आपको वो उसमें कंटेंट हो उसमें जान हो उसमें दम हो जिसको आप देखो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिले ऐसे आपको टाइम वेस्ट ना हो ठीक है इसलिए हम जल्दी एक चीज दोबारा नहीं करवाते जो करवाते हैं अच्छे से करवाते हैं और प्रॉपर करवाते हैं है ना और इसी के लिए तुम लोग याद भी रखे ये सब चीज है भी ठीक है और ऑब्वियसली पसंद आया होगा अगर आप लोग को तो नीचे हमें कमेंट करके पहले हमें जरूर बताना ठीक है आज इतना लंबा क्लास इतना बड़ा क्लास और स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूरा खत्म तो हम आपका एक प्यारा सा कमेंट का एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसा लगा कितना पसंद आया इस पूरे दौरान हम आपको कैसे बताए अच्छे से समझा पाए या नहीं समझा पाए है ना सब कुछ आप प्रॉपरली अच्छे से लिखिएगा अपनी दिल की बात जो भी है मन की बात गुस्सा है हमसे कोई दिक्कत है कोई हम खराब पढ़ाए वो भी आप हमें लिख सकते हैं ठीक है ताकि हम आगे से ये सुधार कर सके और बाकी अच्छा लगा हो तो बताइएगा ठीक है वीडियो को लाइक वगैरह ये सब आप कर लीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज आपको रेगुलरली यहाँ पे मिलते चलेगी आपकी पूरी क्लास ट्वेल्व की तैयारी पूरी जर्नी में हम आपके साथ रहने वाले हैं लगातार अभी से रेगुलर क्लासेस आने वाली है तो जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं आप प्लीज उन लोग को उन लोग के साथ शेयर करिए ठीक है आज आपके व्हाट्सएप स्टेटस में हम देखना चाहते हैं ये सारा चीज ठीक है आज जो क्लास हुआ है आप लोग जितने लोग हैं आप लोग अपना अपना व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए ताकि जो है ये लंबा सा क्लास जो है मेरा मेहनत है वो सब लोग के साथ पहुंचे सब लोग के पास पहुंच सके देखो एक अकेला आदमी सबके पास नहीं पहुंच सकता लेकिन अगर सबका साथ रहा तो हम हर एक बच्चों के साथ पहुंच सकते हैं हर एक बच्चों बिहार के जितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे हम लोग से कनेक्टेड हैं लेकिन अगर आप लोग चाहोगे सबके पास पहुंच सकते हैं ठीक है तो जरा सा अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह या कोई भी ग्रुप है टेलीग्राम है उस समय शेयर कर लीजिए आज के इस क्लास को ठीक है और इस मेहनत को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दीजिए ठीक है होप उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा कुछ सीखने को आपको मिला होगा मार्क्स आप लाओगे है ना हम बस आपके मार्क्स के लिए इतना कुछ किए हैं और आपका जब एग्जाम होगा उस समय जब एग्जाम देकर आओगे तब उस समय हमें बोलना कि भैया इस जो आप पढ़ाए थे आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश उससे आया था सवाल ठीक है तो हम वो चीज एक्सपेक्ट करेंगे उस चीज का हमें इंतजार रहेगा बाद में है ना तो आओगे ना कहने ठीक है और जितने भी लोग हैं अभी पे आप लोग एजुकेशन बाबा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं वहां से भी बहुत सारा चीज पढ़ाई होगा वहां पर भी बहुत सारा चीज है तो आप जाके वहां से टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं है ना तो जाइए एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए और वहां से टेस्ट वगैरह दीजिए वो सब टेस्ट वगैरह देना फ्री है ठीक है वो जाके आप टेस्ट दे सकते हैं ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्ले स्टोर से भी आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं ठीक है बस इतना ही रहने देते हैं चलो टाटा बाय बाय